तो यहाँ पर भाई आज की इस वीडियो पे जो पांचों लैपटॉप्स का मैं आपको नाम बताऊंगा वो भाई सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने के लिए है, सबसे बेस्ट 25,000 बजट के अंदर। इतनी खुशी मुझे तो यहाँ पर भाई देखो, अगर आपके पास सिर्फ 25,000 रुपया है एंड इस 25,000 रुपया के अंदर आप भाई 2023 साल के अंदर एक सबसे बेहतरीन एंड सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप परचेस करना चाहते हो भाई, तो आप एकदम सही एंड परफेक्ट वीडियो पर क्लिक किए हो भाई। क्योंकि आज की वीडियो में हम भाई आपको बताएंगे टॉप 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप अंडर 25,000 बजट इन 2023। जी हाँ भाई, पांचों गेमिंग लैपटॉप्स का मैं आपको नाम बताऊंगा जो एक से बढ़कर एक बहुत ही पावरफुल है एंड सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप होता है 25,000 बजट के अंदर। सारे के सारे आपको विंडोज 11 पर देखने को मिल जाएगा, यानी कोई भी क्रोमबुक का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, सारे के सारे विंडोज यहाँ पर है, ठीक है ना भाई। तो भाई उससे पहले भाई चैनल पर नहीं आ रहे हो और ऐसे ही बेस्ट गेमिंग लैपटॉप के वीडियो फ्यूचर पे हमारे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हो तो यहाँ पर फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भाई पास में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको आप ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको फ्यूचर पे और भी देखने को मिल जाए। जी हाँ भाई, ऐसे ही बेस्ट लैपटॉप्स के वीडियो आपको फ्यूचर पे और भी देखने को मिल जाएगा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो स्टेप बाय स्टेप सारे लैपटॉप्स का मैं आपको नाम बताऊंगा, वो आपके लिए सबसे बेहतरीन होने वाला है। एंड भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सारे जो लैपटॉप्स का मैं आपको नाम बताऊंगा सारे यहाँ पर 2023 साल के अंदर लेटेस्ट यहाँ पर इंडिया पे लॉन्च हुआ है और एकदम आपको 25,000 बजट के अंदर ये सारे लैपटॉप देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को अगर आप एक सेकंड भी स्किप नहीं करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और अगर आप वीडियो को स्किप कर दोगे तो आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलेगा कि आपके लिए अभी के टाइम में सबसे बेस्ट लैपटॉप कौन सा यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस कमाल के वीडियो को जल्दी से यहाँ पर हम लोग भाई स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो यहाँ पर भाई देखो, नंबर 5 पे जो आपको लैपटॉप मिलता है ये भाई 2023 साल के अंदर 25,000 रुपया के अंदर एक काफी बेहतरीन, काफी वैल्यू फॉर मनी बढ़िया गेमिंग लैपटॉप होता है। जी हाँ भाई, इस लैपटॉप का यहाँ पर नाम है Asus ईबुक 14। जी हाँ, यहाँ पर भाई आपको 14 इंच का HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है 200 निट्स के ब्राइटनेस के साथ। इसकी प्रोसेसर की बात करें तो इंटेल सेलेरॉन N4500 का एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिलता है गेमिंग के लिए, जिसका मिनिमम क्लॉक स्पीड है 1.1 GHz, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 2.8 GHz का क्लॉक स्पीड देखने को मिलता है। एंड प्रोसेसर के अंदर आपको 2 कोर के साथ 2 थ्रेड्स का सपोर्ट मिलता है, 4GB का DDR4 रैम मिलता है, 2400 MHz वाला रैम। एंड यहाँ पर भाई आपको 256GB का M.2 NVMe SSD का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ पर भाई आपको 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिलता है, 1.3 kg वेट है लैपटॉप का, Wi-Fi 5 मिलता है, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है भाई, 720p HD वेबकैम मिलता है, एंड उसके साथ तो भाई विंडोज 11 होम मिलता है, आउट ऑफ द बॉक्स आपको विंडोज 11 मिलता है इसके अंदर। तो देखो भाई, इसके हम लोग प्राइस की बात करें तो अमेजोन के अंदर 22,990 rupees के आसपास ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा। जी हाँ भाई, 22,990 rupees इसका प्राइस है। तो और आपको 21 से लेकर 22,000 रुपया के अंदर एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग लैपटॉप परचेस करना है तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर नंबर 4 पे जो आपको लैपटॉप मिलता है ये भी गेम खेलने के लिए भाई काफ़ी बढ़िया है 25,000 बजट के अंदर। जी हाँ, इस लैपटॉप का भाई यहाँ पर नाम है Acer Aspire 3। जी हाँ भाई, यहाँ पर आपको 14 इंच का HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है, AMD Radeon का बहुत ही बढ़िया 3020E बहुत ही बढ़िया डुअल कोर का प्रोसेसर मिलता है, जिसका मिनिमम क्लॉक स्पीड है 1.2 GHz एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 2.6 GHz का क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलता है। प्रोसेसर के अंदर आपको 2 कोर के साथ 2 थ्रेड्स का सपोर्ट मिलता है, 4GB का DDR4 आपको 2400 MHz वाला रैम मिलता है, रैम को भाई आप 8GB तक एक्सपेंड कर पाओगे, उसके साथ भाई 1.9 kg का वेट है एंड 256GB का M.2 NVMe SSD आपको मिलता है, AMD Radeon ग्राफिक्स मिलता है, 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, 720p HD वेबकैम मिलता है, Wi-Fi 5 का सपोर्ट मिलता है, ब्लूटूथ 4.2 का सपोर्ट मिलता है, विंडोज 11 होम मिलता है इस लैपटॉप के अंदर। तो इस Acer Aspire 3 लैपटॉप के हम लोग भाई प्राइस की बात करें तो यहाँ पर भी ये लैपटॉप आपको अमेजोन के अंदर 22,900 rupees के आसपास मिल जाएगा। जी हाँ भाई, तो अगर आपको Acer जैसा इतना बढ़िया अच्छा खासा ब्रांड का एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग लैपटॉप चाहिए 22,000 से 23,000 रुपया के बीच में, आपके पास एग्जैक्टली 25,000 रुपया नहीं है, तो इसको आप डेफिनेटली भाई परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाई देखो, नंबर 3 पे जो आपको लैपटॉप मिलता है ये आपको Asus की तरफ से देखने को मिलता है, एंड ये भी एक काफ़ी बढ़िया तगड़ा गेमिंग लैपटॉप होता है भाई 25,000 बजट के
अंदर हुआ है, ठीक है ना। इसका यहाँ पर भाई नाम है आसूस वीवोबुक 15। जी हाँ भाई, यहाँ पर आपको 15.6 इंच का HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है 220 निट्स के ब्राइटनेस के साथ। इंटेल सेलेरॉन N4020 का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है जिसका मिनिमम क्लॉक स्पीड है 1.1 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 2.8 गीगाहर्ट्ज का वो क्लॉक स्पीड मिलता है। दो कोर के साथ दो थ्रेड्स का सपोर्ट मिलता है प्रोसेसर के अंदर। 4GB का DDR4 रैम मिलता है, 2400 मेगाहर्ट्ज वाला रैम। रैम को भाई आप 8GB तक एक्सपेंड कर पाओगे। उसके साथ तो भाई यहाँ पर आपको 256GB का M.2 NVMe SSD का सपोर्ट मिलता है। इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिलता है, 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, 720p HD वेबकैम मिलता है, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है इसके अंदर भाई, जो एक बहुत ही बेहतरीन बात होता है। विंडोज 11 होम मिलता है एंड 1.8 kg का आपको वेट देखने को मिलता है इस लैपटॉप का। तो देखो भाई, इसको अगर आप परचेस करना चाहते हो तो इसके हम लोग प्राइस की बात करें तो अमेजोन के अंदर 25,990 रुपया के आसपास आसूस वीवोबुक लैपटॉप आपको मिल जाएगा। जी हाँ भाई, तो अगर आपको आसूस का गेमिंग लैपटॉप चाहिए यानी आसूस जैसे ब्रांड का आसूस का लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो ये वाला लैपटॉप आपको 990 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट एक बढ़िया गेमिंग लैपटॉप होने वाला है 25,000 बजट के अंदर भाई। तो यहाँ पर भाई देखो, नंबर 2 पे जो आपको लैपटॉप मिलता है ये आपको HP की तरफ से देखने को मिलता है एंड ये भी एक काफ़ी बेहतरीन बढ़िया गेमिंग लैपटॉप होता है 25,000 बजट के अंदर। जी हाँ, इस लैपटॉप का भाई यहाँ पर नाम है HP 14S। जी हाँ भाई, यहाँ पर आपको 14 इंच का HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है 250 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ। इंटेल सेलेरॉन N4500 का एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर मिलता है जिसका मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है 2.8 गीगाहर्ट्ज। यहाँ पर आपको दो कोर के साथ दो थ्रेड्स का सपोर्ट मिलता है इस प्रोसेसर के अंदर। 8GB का DDR4 रैम मिलता है। जी हाँ भाई, यहाँ पर आपको 8GB का DDR4 रैम मिलता है। उसके साथ साथ भाई रैम को आप 16GB तक एक्सपेंड कर पाओगे। उसके साथ साथ 256GB का M.2 NVMe SSD का सपोर्ट मिलता है। 1.46 kg वेट है लैपटॉप का। इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिलता है। 6 से 7 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलता है। विंडोज 11 होम मिलता है। एलेक्सा बिल्ड मिलता है। डुअल स्पीकर्स मिलता है। MS ऑफिस 2021 का सपोर्ट मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 4.2 के साथ यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा फीचर देखने को मिलता है इसके अंदर। तो इसके हम लोग भाई प्राइस की बात करें तो देखो, अमेजोन के अंदर 25,000 से लेकर 26,000 रुपये के आसपास ये लैपटॉप मिल जाएगा। जी हाँ भाई, इसका प्राइस कभी 25,000 रहता है या फिर कभी 26,000 हो जाता है। तो जब यहाँ पर 25,000 रुपये हो जाएगा इसको आप परचेस कर लेना भाई, क्योंकि HP का ये वाला लैपटॉप भाई 25,000 रुपये के अंदर काफ़ी बेहतरीन बढ़िया गेमिंग लैपटॉप होता है। तो यहाँ पर भाई लोग देखो, नंबर 1 पे जो आपको लैपटॉप मिलता है भाई, ये अभी के टाइम में सबसे बेस्ट गेमिंग लैपटॉप होता है भाई 25,000 बजट के अंदर। जी हाँ, लैपटॉप का यहाँ पर नाम है लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 3। जी हाँ भाई, यहाँ पर आपको डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ा मिलता है। 15.6 इंच का हाई डेफिनेशन HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलता है 220 निट्स के पीक ब्राइटनेस के साथ। इसकी बात प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको इंटेल सेलेरॉन N4020 का एक बहुत ही पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर मिलता है जिसका मिनिमम क्लॉक स्पीड 1.1 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम सबसे ज़्यादा 2.8 गीगाहर्ट्ज है यहाँ पर भाई, ठीक है ना। दो कोर के साथ दो थ्रेड्स का सपोर्ट मिलता है लैपटॉप के अंदर। रैम यहाँ पर बहुत ही बढ़िया मिलता है। 8GB का DDR4 2400 मेगाहर्ट्ज वाला रैम मिलता है। उसके साथ तो भाई 256GB का M.2 NVMe SSD का सपोर्ट मिलता है। 1.7 kg का वेट है लैपटॉप का। इंटेल अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिलता है। 8 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। जी हाँ भाई, यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप काफ़ी बढ़िया मिलता है इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। 720p HD वेबकैम मिलता है। Wi-Fi 5 मिलता है। ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिलता है। विंडोज 11 होम मिलता है। डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है। 2 साल का वारंटी मिलता है। जी हाँ भाई, यहाँ पर आपको 2 साल का वारंटी मिलता है और उसके साथ साथ MS ऑफिस 2021 का सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो इस लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 3 लैपटॉप की भाई हम लोग प्राइस की बात करें तो अमेजोन के अंदर 26,500 रुपीज़ या फिर 26,900 रुपीज़ के आसपास ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा। जी हाँ भाई, 26,500 कभी इसका प्राइस होता है या फिर कभी 26,900 होता है, तो ऑफर का वेट करो भाई। ऑफर के अंदर आपको 25,000 से लेकर 26,000 रुपये के अंदर ये लैपटॉप भाई आपको आराम से मिल जाएगा, जो सबसे बेस्ट एंड सबसे पावरफुल एंड सबसे बेहतरीन बढ़िया गेमिंग लैपटॉप होता है भाई 2023 साल के अंदर भाई 25,000 बजट के अंदर। तो यहाँ पर भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे टॉप 5 बेस्ट गेमिंग लैपटॉप कौन सा है जो आपको अभी के टाइम में 25,000 बजट के अंदर 2023 साल के अंदर परचेस करना चाहिए। जी हाँ भाई, जो पांचों का मैं आपको नाम बताया वो सारे बेस्ट है बढ़िया गेमिंग लैपटॉप्स है। तो आपका जो बजट है, जी हाँ भाई, आपके पास जितना पैसा है उतने के अनुसार आप किसी एक लैपटॉप को भाई डेफिनेटली परचेस कर लेना, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो, आज की इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना भाई। जी हाँ, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भाई महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।
उसके साथ भाई आपके सारे दोस्तों के पास ये वाला वीडियो आप शेयर भी जरूर से कर देना, ताकि आपके दोस्त को भी पता चल जाए 25,000 बजट के अंदर सबसे बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप कौन सा यहाँ पर हो जाता है। उसके साथ भाई यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी आप जरूर से ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर पे और भी देखने को मिल जाए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फिलहाल दोस्तों आज का ये वाला वीडियो बस यार इतना ही।